तो आज हम क्या करने वाले हैं? होली सेलिब्रेट। हाँ, होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका मंडे को होली है। तो होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, पहले उसकी बात करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को डांस करके दिखाना है, ठीक है? उसके बाद कलर लगा सकते हो आप लोग, और उसके बाद आप लोग फिर से डांस करना, और फिर आप लोग घर जाना और घर पे होली सेलिब्रेट करना, और आके बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा आप लोगों ने कैसा होली खेला, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा बताओ, होली सेलिब्रेट करने के रीज़न क्या है, क्यों हम होली सेलिब्रेट करते हैं? मैम, क्योंकि उस दिन होलिका मैया आग में बैठ गई थी। अच्छा, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मेन रीज़न है कि जो अच्छाई है उसका बुराई पे जीत, ठीक। जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, ठीक, लेकिन जो उनके पापा थे हिरण्यकश्यप, वो सोचते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो मेरा ही खुद का पुत्र क्यों किसी और भगवान को मानेगा, ठीक ना। तो वो सोचते हैं कि जो होलिका थी, भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी, उनको मिला हुआ था वरदान कि वो आग में कभी नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप जी ने क्या करा, सोचा कि होलिका के साथ मैं प्रहलाद को भी आग में बिठा दूंगा तो होलिका तो नहीं जलेगी। लेकिन होता क्या है, उल्टा, होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि राधा और कृष्ण भगवान को भी माना जाता है कि वो भी इस दिन दोल पूर्णिमा बोला जाता है, वृंदावन में बहुत होली का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं, ठीक। और तीसरा रीज़न क्या है, सीजन का। इस टाइम बसंत ऋतु टाइप, जैसे कि नए नए पौधों में फूल खिलते हैं, नया सीजन स्टार्ट होता है, उसके वेलकम के लिए, ठीक, होली का त्यौहार मनाते हैं। सीजन भी चेंज होता है, अभी क्या हो गया, ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो होली मनाने के ये तीन प्रमुख कारण हैं। अब आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सबसे पहले डांस कौन करेगा, रूपम डांस करेगी, ठीक है। तो रूपम सॉन्ग चल, मेरा नाम विक्रांत है और मैं आप सभी के सामने एक रैप प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखो आज जब अपनी गली से मैं होके निकला हूँ रैप के लिए तैयार, संग खड़े मेरे मम्मी पापा भाई बहन और मेरे दोस्त यार, यही मेरे जान है और यही मेरे प्यार ना, मंगा मैंने बंगला ना, मंगा मैंने कार ना, छोटी मोटी ख्वाहिश जताई पर जो ख्वाहिश जताई वो ख्वाहिश हुआ पूरा, मेरा कोई भी ख्वाहिश ना रहा अधूरा। देखो आज मेरे दिल से निकली आवाज, मेरे गली के लौटने जो पेपर सॉन, उनके जैसे बहुत पर मेरे जैसा कौन, कॉपी नहीं सबसे हटकर दिखाऊंगा, सपने सजाए जो सच कर दिखाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं था अब मैं मन चाहूंगा। Very nice. Yeah.